माननीय हमारे यूआईसी स्कूल के हेडमास्टर, सभी स्टाफ्स और प्यारे बच्चों, आज हम लोग विशेषकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम लोग किस लव सोसाइटी प्रांगण में प्री क्रिसमस जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, और क्रिसमस के आगे एक समारोह जो प्रभु यीशु ख्रिस्त जो बालक बन के हमारे बीच में जन्म लेने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए माता कलीसिया भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने स्तर पर तैयारी करती है। तो वही अवसर पर हम लोग भी हमारे छोटे से प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, सबको मिल करके हम बालक यीशु के आने के लिए तैयारी कर सकें, उसका एडवांस तैयारी है कि नहीं, एडवांस तैयारी कर सकें। तो आज हम लोग के बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त बालक बन करके जो गौशाला में जन्म लिए, तो उसकी यादगारी में एक छोटा सा बनाए हैं और इसमें बालक यीशु का प्रतीक मूर्ति को हम लोग यहाँ पे रखे हैं, गौशाला का दृश्य को हम लोग यहाँ पर दर्शाए हैं, तो उसी को हम लोग आशीष देंगे। और ये एक्समस का जो सीजन है, समय है, उस समय में हम लोग सभी विश्वासी लोग विशेषकर बालक यीशु के उस जन्म दिवस को याद करते हैं। तो सभी को क्रूस का चिन्ह बनाएंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं, जिससे कि विशेषकर सीजन में जो लोग भी भक्ति भाव से आदर और सम्मान के साथ अपने आप से उठाएंगे और अपने विशेष मतलबों को लेकर बालक यीशु से प्रार्थना करेंगे, बालक यीशु हर एक जन को आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। जन्म संदेश
जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पत्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम इस सब से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब इस स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदस्य सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपके कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो वंश कहलाती थी छठे महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। स्वर्गदूत चला जाता है। दाऊद के शहर बेतलहम चला आया,
पहुंचे उसका गर्भ के दिन पूरे हो चुके थे। बसा नहीं मिले यीशु के जन्मदिन मसीह के जन्मदिन योस पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले बसा खोजे बसा नहीं मिले यीशु के जन्मदिन मसीह के जन्मदिन योस पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले बसा खोजे बसा नहीं मिले। हम बहुत दूर से आए हुए हैं, हमें एक रात ठहरने के लिए यहाँ जगह मिल सकता है क्या? नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं, आगे चले जाइए। यीशु के जन्मदिन मसीह के जन्मदिन योस पर मरियम डेरा खोजे डेरा नहीं मिले बसा खोजे बसा नहीं मिले। यीशु के जन्मदिन डेरा खोजे डेरा नहीं मिले बसा खोजे बसा नहीं मिले। ठोक ठोक ठोक, हम बहुत दूर से आए हुए हैं, हम एक रात ठहरने की जगह मिल सकता है क्या? यहाँ पर कोई जगह नहीं है, आप आगे चले जा सकते हैं। यीशु के जन्मदिन करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। या आप
लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ा में लपेटा और चरनी में लिटा हुआ पाओगे। चलो हम बेतलहम जाकर वहाँ पर यीशु राजा जन्मे हुआ अगर घटना देखें। हम चरुआहे नचे झूम के, ओ हम चरुआहे नचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके गा रहे वंदना, ओ मिलके गा रहे वंदना। जाए
महाराज की जय हो। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मैं अभी शास्त्र में पढ़कर बताना चाहिए। यहूदिया का बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवाणी में यही लिखा गया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। महाराज की जय हो। जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक पता करो, और पता चल जाए तो मुझे खबर करो, ताकि मैं जाकर उसे प्रणाम करूं और दंडवत करूं। महाराज की जय हो। यहूदियों का राजा कौन सा राजा? यहूदियों का राजा कौन सा राजा? यहाँ का सिर्फ मैं ही राजा हूँ। अगर कोई दूसरा राजा आएगा तो उसे मैं मारवा डालूंगा, उस बालक को मैं मार डालूंगा, उस पेड़ का जड़ पकड़ने से पहले मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा, और फूल के कली खिलने से पहले मैं उसे मचल दूंगा। अभी जो इस किट के उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोर से ताली हो जाए।
क्रिसमस 2023 ग्रेडिंग रे भाग नहीं थीवा समस्त अधिनायक अधिनायिका किए अधिनायक अधिनायिका से मानक तरफ आम देखा पाइलु जे पूर्व काल रे राजा महाराजा माने किपरि गध पीठी रे बसिकी जाउथिले किंतु आज बुलेट प्रूफ कार रे जाउछंती नै कि कहथरे किंतु पूर्व काल रे कौथिरे जाउथिले गध देखी छो ना मु तो देखी नाही किंतु सुनी छी हां घोड़ा देखी थी वो गध देखी ना कौन देखी छ हां देखी छ हेले भलो कथा दिने आनिबो देखिबा पहले हमरो समस्त सीसीआई स्टाफ्स यूआईसी स्कूल स्टाफ्स एवं समस्त छात्री छात्र छात्री समस्त को मु धन्यवाद देवा को चाहे कि
आजिकार यही उत्सव आपण मान समस्त अति छोट रु छोट जोगदान पाई आज ये उत्सव अलंकृत होशा कैं भविष्य यहीपरि विभिन्न क्षेत्र में तुम अवदान रहू एवं तुम मानकर जीवन पथ सुखमय होते मुती कही समस्त को आउ थे हापी ख्रीस्मास जनाऊँ। थैंक यू।